आज यहाँ जामताड़ा जिले में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाएं, सरकार के द्वारा बांटी जा रही परिसंपत्तियां, कई योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ यहां उपस्थित जामताड़ा के हमारे स्थानीय विधायक इरफान अंसारी साहब, यहाँ उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी, यहाँ उपस्थित जिले के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए हुए जिले के विभिन्न गांव पंचायत से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सबका मैं इस मंच से इस कार्यक्रम में आने के लिए अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। थोड़ा आज आने में विलंब हुआ क्योंकि मौसम थोड़ा खराब था, लेकिन हमारा प्रयास है कि प्रोग्राम में किसी तरीके से पहुंचा जाए। आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और उसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ২০১৯ में जब सरकार बनी तो आपको मालूम है सरकार बनते ही सबसे पहले हम लोगों को कोरोना जैसे महामारी ने घेर लिया और दो साल के लगभग तक हम लोग इस कोरोना के चक्कर में ही फंसे रहे। हाट बाजार, दुकान, गाड़ी मोटर सब कुछ बंद। बड़ा मुश्किल और ऐसा घड़ी में जहां अधिक मजदूर, किसान तबके के लोग होते हैं उनके लिए ये दिन बहुत मुश्किल भरा दिन होता है। लेकिन इस महामारी में भी हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ डटकर मुकाबला किया, काफी संवेदनशीलता के साथ सीमित संसाधन में कम डॉक्टरों की उपलब्धता, कम स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में इस महामारी को देखा, पार किया। हमारे मंत्री, विधायक उस समय भी लगातार आप लोग के बीच में रहते थे, आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसकी जानकारी हम तक पहुंचाते थे। इस वैश्विक महामारी में हमारे अनेक लोगों ने अपनी जान की परवाह ना कर आपकी सेवा में लगे रहे। हमारे
मधुपुर विधायक हाजी हुसैन अंसारी साहब की तो जान ही चली गई, इस कोरोना ने उसको निगल लिया। कई ऐसे लोग जो मरते मरते बचे, कुछ लोग ऐसे भी रहे जो अभी तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं, अभी भी उसका असर बरकरार है। झारखंड का लगभग 80% लोग गांव में हम लोगों के रहते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब है, मजदूर है, किसान है। अभी जीवन को सामान्य करते हुए सरकार ने कई एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को, हर वर्ग के लोगों को, कैसे जरूरतमंदों को हम मदद पहुंचाएं, रोज कड़े और ऐतिहासिक फैसले ले रही है। झारखंड पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है, यहां पर गरीबी भी बहुत बड़े तादाद में, यहां के लोग चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, लगभग गरीबी की मंजर आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने समय समय पर जो निर्णय किसी राज्य ने नहीं लिया, कभी देश ने नहीं लिया, वो निर्णय राज्य सरकार ने लिया, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों ने इस राज्य में 60 साल से अधिक वृद्धजनों को, जितना भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग होगा सबको पेंशन देने का घोषणा किया, जितना विकलांग होगा सबको पेंशन देंगे, जितना विधवा महिला होगी सबको पेंशन देंगे। पूर्व के सरकारों ने उसकी सीमा बांध दी थी कि इतना लोगों से अधिक हम पेंशन नहीं देंगे, इतना लोगों से अधिक हम विधवा पेंशन नहीं देंगे, इतना लोगों से अधिक हम विकलांग पेंशन भी नहीं देंगे। लेकिन यहां पर बूढ़ा बुजुर्गों की जो हमने देखा अपनी आंखों से, ये पेंशन की समस्या ना कोई पदाधिकारी समस्या का समाधान कर पाता था, ना विधायक ना सांसद, तो हम लोगों ने कानूनी बना डाला। पहले दलालों के बीच में आप जाकर के अपना पेंशन कार्ड बनवाने के चक्कर में हजारों रुपया लुटवा देते थे, अब उसका जरूरत नहीं है। जो 60 साल से अधिक हो गया आप पदाधिकारी के पास जाइए और उसका लाभ लीजिए। पहले 40 वर्ष का विधवा होगा तभी पेंशन मिलेगा, विधवा होने का कोई समय नहीं होता, शादी होने के हो सकता है कि साल भर के बाद ही विधवा हो सकती है, भगवान ना करे, लेकिन ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो हम लोगों ने 18 साल के उम्र के जितने भी विधवा महिलाएं हैं उन सबको पेंशन देने का भी कानून बनाया। इसके अलावा यहां पर लोगों को राशन कार्ड, गरीबी इतना कि गांव में 2-4 राशन कार्ड होते थे और बाकी भी बेचारे गरीब लोग टुकुर टुकुर देखते थे। पहले उसमें भी सरकार ने एक लिमिट बांध रखा था, फिर हम लोगों ने मजबूत निर्णय लेते हुए इस राज्य में अतिरिक्त 15 लाख और हरा राशन कार्ड बंटवाने का काम किया है, और लगभग आपके इस जिले में जो मुझे आंकड़े बताए गए हैं लगभग
164,000 राशन कार्ड धारी हो लोगों को दिया जा चुका है और लगभग 1,00,000 पेंशनधारी हो गए। निश्चित रूप से हमारी सामाजिक सुरक्षा हर लोग कैसे अपने जीवन यापन जी सके वो हमारी प्राथमिकता रही है। आज रोजगार सृजन करने के नए नए आयाम नए नए तरीके सरकार आपके सामने लाके रखी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके का योजना ले सकते हैं, चाहे आप होटल चलाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, राशन दुकान चलाना चाहते हैं, भाड़ा में गाड़ी चलाना चाहते हैं, ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, सैलून खोलना चाहते हैं, कुछ भी सिलाई मशीन का टेलरिंग का दुकान चला सकते हैं, उसके लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार। पहले आप बैंक में जाते थे, बैंक वाला आपको कोई लोन नहीं देता था, लेकिन सरकार आपकी जगह गारंटर बन के खड़ी होगी और आपको आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। तो कई ऐसी चीजें, नियुक्तियों का ऐसे ही लगातार सिलसिला चल रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने लगभग 250 से अधिक बच्चों को जेपीएससी के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा है। ये 20 वर्षों का रिकॉर्ड है। 20 वर्षों में जहां छठी जेपीएससी में बच्चे लोग एग्जाम देते थे, उससे 4 गुना अधिक इस बार बच्चों ने कैंडिडेट बनकर के हिस्सेदारी ली। 4 गुना अधिक सेंटर बना और जहां ये लोग 1200-1300 दिन लगाते थे रिजल्ट निकालने में, वहीं पर हम लोगों ने 250 दिन में रिजल्ट उनके हाथ में देकर के इनको नियुक्त कर दिया। 32 सालों में पहली बार यहां पर किसी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। नए नए किसानों को नई विधि बताने वाला कोई नहीं था। आजकल जिस तरीके से मौसम का आंख मिचौनी का खेल चल रहा है, ऐसे स्थिति में किसान कौन सा खेती करे इसको बताने वाला कोई भी पदाधिकारी नहीं होता था। ऐसे अनेकों चीज सरकार बनने के बाद हमने ये जब सोचा कि आखिर पूरा देश का अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से विकास कर रहा है, आखिर झारखंड विकास क्यों नहीं कर रहा, क्या इसमें दिमाग लग गया है क्या? जब इसके अंदर जाकर के देखे तो राज्य अलग होने के बाद 20 वर्षों तक जिन लोगों ने सरकारें चलाई, इन लोगों ने राज्य को आगे दिशा देने के बजाय इसका कब्र खोदने में लगे हुए थे। और यही संकल्प के साथ हम लोगों ने 2019 में एक साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर इन डबल इंजन की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। और आज देख लीजिए, आज नियुक्तियां भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, प्रमोशन भी धड़ल्ले से हो रहा है। 20 वर्षों में ना प्रमोशन ना नौकरी, बल्कि नौकरी जो भी होता था वो भी छूट जाए। और आज स्थिति ये है, महंगाई का आसमान छू रहा है, महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह लगातार दाल चावल नमक तेल का दाम बढ़ रहा है। आने वाला समय में गरीबों का क्या होगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा प्रयास है हर मुसीबत में सरकार आपके साथ खड़ा रहे और आपको कैसे हम ऐसे मुसीबतों से बचाए, इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। हम लोगों ने इस बार 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। धान खरीद में
20 वर्षों में इन लोगों ने जितने धान ने खरीदी उससे दुगुना धान हम लोगों ने 9 महीने में खरीद के दिखा दिया। लेकिन समस्या ये भी बहुत बड़ा है कि धान अधिप्राप्ति तो हम कर लेते हैं, लेकिन धान को चावल बनाकर गरीबों में कैसा बांटा जाए इसकी व्यवस्था कभी पूर्व में नहीं सोची गई। इसलिए इस बार हम लोगों ने बड़े पैमाने पर राइस मिल की स्वीकृति दी है और यह प्रयास है कि हर जिले में अनेकों राइस मिल खुले ताकि उन धान को लेकर के चावल बना करके वो गरीबों के बीच में बांटा जा सके। ऐसे अनेकों चीजें सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जहां हमारा मुख्य रूप से यो एक संपत्ति के रूप में होता है, गाय बकरी मुर्गी सुअर जो भी पालना है आप पाल सकते हैं। इसके लिए भी सरकार बड़े पैमाने पर आपको अनुदान दे रही है। कुल मिलाकर के हर गरीब की जरूरत पूरी करने के लिए हम लोग लगे हुए। धोती साड़ी योजना 10 रुपया में सभी गरीबों को मिलना, आज हमारे इस राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बच्चा नौजवान जो होनहार है वो विदेशों में पढ़ना चाहता है लेकिन इतना गरीब है कि वो विदेश जाने की सपने भी नहीं देख सकता था। हम लोगों ने ऐसा कानून बनाया है कि अब इस राज्य का आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बच्चा अगर विदेश में भी पढ़ना जाएगा तो उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। आज खेल जगत में भी हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है कि यहां नौजवानों को खेल के माध्यम से उसका जीवन सवार आ जाए। तो आज हमारे इस प्रयास से यहां के अनेक खिलाड़ी विशेषकर लड़कियां आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के अपना खेल का प्रदर्शन कर रही है। तो कई ऐसी चीजें आज थोड़ा हम विलंब से आए हैं और हमारा ये प्रयास है कि सरकार की हर योजना आपके दरवाजे तक जाए। आपने देखा होगा कि इस संक्रमण के दौरान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था, जहां पूर्व में 20 वर्षों में हमारे इस राज्य का जो भौगोलिक बनावट ऐसा है, नदी पहाड़ जंगल में हमारे लोग रहते हैं, जहां सरकार की आवाज सरकार की योजनाएं और सरकार की नजरें कभी नहीं पहुंच पाती थी। तो हमने सरकार आपके द्वार योजना चलाया, जो आपके पंचायत में आपके दरवाजा में सभी पदाधिकारी जाकर के आपके समस्याओं का समाधान कर रहे थे। आज उन्हीं योजनाओं को हम ये देखना चाहते हैं कि उन योजनाओं के ग्रामीण स्तर में क्या स्थिति है। अभी फिर से वो कार्यक्रम चलाया जाएगा, फिर सरकार आपके द्वार जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। अभी तो एक ड्राइव भी चल रहा है, एक योजना भी चल रही है, लोगों को खोज खोज करके गांव गांव में कौन वृद्धा है, कौन विकलांग है, कौन विधवा है, उनका पेंशन स्वीकृत किया जा रहा है। यहां पर दुनिया भर के अगल बगल टेंट के आसपास स्टॉल लगा हुआ है, इन स्टॉलों में जाइए, आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से अपने आय में आप वृद्धि कर सकते हैं। आज नोडेरे नाबोर होड़ोपन को आप आबो कार हो बैंक को बाको गोड़ो आबोन करना सरकार गोड़ो लगी है तिंगू करना जागे कमी सुनाए प्या होना को कमी लगी सरकार लोन हमें आपे पे एमओ लगी तैयार करना। और
जहां आगे में कमी 50,000 खन 25 लाख तभी ऋण सरकार ठेन खन पे हटाओ दाड़े और आप अपना रोजगार पे तिंगू दाड़े और विशेष कर नोडे गोगो हड़ को लगी मिटांग फूलो झानो योजना ले अहब का और उनको गोगो हड़ को विशेष कर जहांडी पौर पे अखरीन ओना बगिया पे नुहांडी पौर ते आबुआ सना व्यवस्था बड़ी इदी करा अपना अतु हड़ इधर पिधर को जुकते को भूल चबा करा होना लगी ते फूलो जानो योजना ले चालू का और नोंडे इनको लई का दिया जोम का लगभग नोंडे 420 गोगोहर नुआ योजना रे को सले दका कुआ और हंडी पौरो बागी कते एटा एटा कमी को यह बका उनका ज्ञाप पे सनाम अपना रोजगार पे बिना उदाड़ेगा हंडी पौरा के चे लगी आखरीगा चे लगी बांग पकौड़े रिया दुकान के चे लगी बैंक बिनावा चे लगी होटल के बाम चला उदाड़ेगा दल दका मापे इसी दाड़े किया होना के बिना कते खावा चोको पे होना लगी वो सरकारे गोड़ो आप आबोरन किधर को स्कॉर्पियो को ट्रैक्टर को हताव पे लोन थे सरकार ठेन कर होना भाड़ारे चला पे तो कई ऐसी चीजें आज हम लोगों ने केसीसी में भी रिकॉर्ड तोड़ा है 20 वर्षों का लाखों में और हमारा ये लक्ष्य है कि लगभग 35 लाख तक इसको ले जाने का अभी तो शायद 15-16 लाख केसीसी का हम लोगों ने वितरण किया है पूरे राज्य में और आपके इस जिले में जो मुझे जानकारी मिली है केसीसी में लगभग 2,92,000 905 लाभुकों को के बीच में लगभग 392-300 करोड़ रुपए लगभग बांटने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। तो कई ऐसी चीजें हैं, हमें आगे भी जाना है, आगे भी कार्यक्रम है, इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं करते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे। और भाई इरफान अंसार जी ने जो अभी मंच से कहा है कि यहाँ एक पुल में एक बहुत बड़ा दुर्घटना घटा है और हम आपको वादा करते हैं कि वो पुल निश्चित रूप से यह सरकार बनाएगी और फिर आवागमन की सुविधा को तेज कराने का काम करेगी। धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद सर, आपके द्वारा सरकार की सभी महत्वपूर्ण और जनहितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई जामताड़ा की जनता।